अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, बगलों में कालापन या ब्लैक आर्मपिट्स एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल स्लीवलेस जो है उसका भी काफ़ी फैशन जा रहा है। तो दोस्तों, एक मैंने कहा कि क्यों ना आपको एक मेगा आपके साथ वीडियो शेयर करूं, जिसमें मैं 15 रेमेडी, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 रेमेडीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ब्लैक आर्मपिट को दूर करने की। ब्लैक आर्मपिट ऐसी दोस्तों हो जाएंगी जैसे आपका कोई दूसरा स्किन का पार्ट है वैसे उनका रंग हो जाएगा, बिल्कुल गोरी हो जाएंगी और कालापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, एक मेगा वीडियो होने जा रही है जिसमें 15 आपको रेमेडीज मिलने जा रही हैं ब्लैक आर्मपिट्स को गोरा करने की। और दोस्तों, इसमें मैं वो भी कुछ रेमेडीज ऐसे भी शेयर करूंगा जिनको आर्मपिट में जो है डीओ का मसला है, जो है आपको कोई डिओड्रेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी रेमेडीज भी दूंगा जिनकी जो है आर्मपिट से स्मेल उठती है, स्मेल आती है, तो वो भी दूर हो जाएंगी, कुछ ऐसी रेमेडीज़ में मैं शेयर करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली रेमेडी के साथ। दोस्तों, बेकिंग सोडा के ज़रिए आप कैसे अपना ब्लैक आर्मिट्स को गोरा कर सकते हैं। दोस्तों, पहली रेमेडी में मैं जो आपको टिप देने जा रहा हूँ, बेकिंग सोडा दो की। दोस्तों, इसमें स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी स्क्रब इसके बड़ा अच्छा स्क्रब है, ये नेचुरल स्क्रब बेहतरीन है बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा जो है आपके जो डेड ब्लैक स्किन सेल हैं उनको रिमूव करके बिल्कुल गोरा कर देगा, और ना सिर्फ गोरा करेगा बल्कि जो है इससे जो है बैक्टीरिया और जो जर्म्स होते हैं वो भी रिमूव होंगे। तो दोस्तों, इसकी ये आपने यूज़ ऐसे करना है कि एक टेबलस्पून आपने ले लेना है बेकिंग सोडा का, और उसमें मुनासब पानी डाल के गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, और दोस्तों उस गाढ़ा पेस्ट को अपने डार्क आर्मपिट्स पे अप्लाई करना है। दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने हल्के हाथों से अप्लाई करना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना, और 15 मिनट बाद दोस्तों इसको नीम गर्म पानी से धो लेना है। दोस्तों, बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपने ये ना सिर्फ आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देगा पहले बार वाश के बाद, बल्कि जो है लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना होगा, इसको रिपीट करना होगा। दोस्तों, दूसरा है ऑरेंज पील। दोस्तों, ऑरेंज पील का कोई जवाब नहीं है बगलों की जो कालापन दूर करने में, डार्क आर्मिट्स को दूर करने के लिए आपने अगर इसको यूज़ करना हो, सिंपल है दोस्तों। ऑरेंज के छिलके, माल्टे, संतरे के, मौसमियों के छिलके हमारे घर में बहुत होते हैं, माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत पैदावार होती है। दोस्तों, छिलके फेंकिए मत, इनको धूप में सुखा लीजिए, तकरीबन 4 से 5 दिन इनको सूखने दीजिए, और एक हफ्ते बाद तकरीबन जो है बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाते हैं ये छिलके। और दोस्तों, इनको पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए, इनको अच्छी तरह पाउडर बना लीजिए। और दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने रोज़ वाटर में पेस्ट बना सकते हैं ये ऑरेंज पील का, और दूसरा ये है कि आप इसमें मिल्क में भी बना सकते हैं, और तीसरी जो कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑरेंज पील लीजिए तकरीबन 2 चमचियाँ, और इसको रोज़ वाटर और मिल्क दोनों में, यानी इन तीनों का एक पेस्ट बना लीजिए, और दोस्तों इसको हल्के हाथ से अप्लाई कीजिए काली बगलों में, और फिर देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देना है, और हफ्ते में 3 बार कीजिए ये आपने रिपीट करना है, और दोस्तों फिर देखिए। और दोस्तों 10 से 15 मिनट जब इसको छोड़ देते हैं आप अप्लाई करने के बाद, तो इसको बाद में जो है आपने रूम टेम्परेचर वाले बिल्कुल पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन हल्के नीम गर्म पानी से धोएं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं, वो है आलू का ब्लीच। जी बिल्कुल, पोटैटो ब्लीच। दोस्तों, जो आलू है यानी पोटैटो, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है, और इसमें जो है बड़ी अच्छी एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये हार्श नहीं होता स्किन पे, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट रहता है इस एसिडिक प्रॉपर्टीज होने के बावजूद। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है ब्लैक आर्मपिट्स को वाइट करने के लिए। दोस्तों, इसको 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप आलू के छोटे छोटे स्लाइस कर लीजिए और स्लाइस को रब कीजिए 3 से 5 मिनट तक, या फिर दूसरा इसको ब्लेंड करके आलू का जूस निकाल लीजिए और उसको
तीन से चार मिनट रब कीजिए डार्क आर्म पिट्स पे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और अगर ज़्यादा डार्क आर्म पिट्स का मसला है तो पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दीजिए, दूसरी और तीसरी बार 10 से 15 मिनट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यानी ये एक के बाद दूसरी, मतलब मैं आपको फिर एक दफ़ा क्लियर करता हूँ, पहली बार आप फ़र्ज़ करें इसको हफ्ते में आपने कम अज़ कम 4 बार अप्लाई करना है ये आलू के ब्लीच को, यानी हफ्ते में 4 बार। पहली बार करें तो कम से कम 15 से 20 मिनट अपने आलू के जो जूस निकालना है या उसके छिलकों के 3 से 4 मिनट रब करने के बाद आर्मपिट में इसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, और बाद में नीम गर्म पानी से इसको आपने वॉश कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ले और ये कम से कम आपने 4 बार या 3 से 4 बार रिपीट करना है 1 वीक में। दोस्तों चौथी जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ डार्क आर्मपिट्स से निजात पाने की, वो है नींबू। दोस्तों नींबू में ना सिर्फ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं बल्कि एंटी जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डार्क स्किन की एक बहुत बड़ी जो वजह है वो है बैक्टीरिया और जरासीम जो हमारे आर्मपिट्स में जमा होते हैं, वो डार्क जो कालापन है, जो डार्कनेस आई होती है उसकी एक सबसे बड़ी रीजन्स में एक है, यानी बैक्टीरिया और जरासीम। दोस्तों क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो दोस्तों ये ना सिर्फ उन बैक्टीरिया और जरासीम को मारेगा, ठीक है, बल्कि जो है जो डार्क डेड स्किन सेल्स हैं उनको भी रिमूव कर देगा। और आपको पता है कि नींबू जो है स्किन की जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट में कितना इस्तेमाल होता है, और इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इसको क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये एसिड इसमें बिल्कुल इतना तेज़ नहीं होता लेकिन फिर भी ये एसिडिक होता है, तो दोस्तों इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए इसको, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इसको बहुत एहतियात से यूज़ करें। तो दोस्तों इसका तरीका ये है नींबू का इस्तेमाल करने का कि आपने जो है नींबू का जूस ले लेना है, ठीक है, और उसको जो है एक बोल में ले लीजिए, 3 से 4 या जितने भी आपको जूस चाहिए होता है, और इसको जो है आपने जो है अच्छी तरह जो है इसमें अगर ये डायरेक्ट अप्लाई, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ठीक है तो आप डायरेक्ट कभी नहीं अप्लाई करेंगे, और डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते, लेकिन सबसे जो बेहतरीन है जो इस रेमेडी में मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ वो है लेमन जूस आपने ले लेना है, और उसमें 1 चम्मच हनी डालनी है, ठीक है, और प्लेन योगर्ट जो सादा दही होता है वो ले लीजिए, ठीक है। और अगर अभी आप इसमें एक और चीज़ भी दे सकते हैं वो है दालचीनी का पाउडर, यानी तकरीबन 2 नींबू का जूस ले लीजिए, उसमें हनी डाल लीजिए 1 चम्मच, 1 चम्मच उसमें दही डाल लीजिए, और 1 चम्मच तकरीबन आप डाल लीजिए दालचीनी का पाउडर, और इनको एक पेस्ट बना लीजिए, और इस पेस्ट को तकरीबन आपने अप्लाई करना है हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट अपनी डार्क आर्मपिट में, और अप्लाई करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ देना है, और उसके बाद इसको आपने जो है उसको सादे पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन बेटर है कि नीम गर्म पानी से वॉश कर लें और फिर रिज़ल्ट देखें। और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने हफ्ते में कम से कम 3 बार रिपीट करना है। और दोस्तों मैं एक नोट देता चलूँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने इसको 10 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बढ़ूँगा अपनी 5वीं रेमेडी पे डार्क आर्मपिट को दूर करने के लिए। दोस्तों खीरे में नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इसलिए ये आपकी स्किन को गोरा करता है, ठीक है। दोस्तों उसके इस खीरे के इस्तेमाल 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला कि आप खीरे के टुकड़े ले लीजिए और उसको रब कीजिए अपनी आर्मपिट में, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि आप ब्लेंड कर लीजिए खीरे को और उसका जूस निकाल के आपने 3 से 4 मिनट अप्लाई कीजिए और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे रहने दीजिए और उसको फिर नीम गर्म पानी से धो लीजिए, ठीक है। ना सिर्फ आपका जो है ये जो है वाइटनिंग होगी, क्योंकि इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती, गोरापन आएगा, बल्कि जो डेड स्किन सेल है वो भी उतर जाएंगे और आपकी जो आर्मपिट है उसकी डार्कनेस दूर हो जाएगी। दोस्तों छठी रेमेडी है वो है सिरका। सिरका हर घर में पाया जाता है दोस्तों,
और ये स्किन वाइटनिंग के लिए आर्मपिट दो तरह से करता है, ये ना सिर्फ जो है सिरका, क्योंकि ये एसिटिक प्रॉपर्टीज रखता है, ना सिर्फ ये बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करेगा बल्कि डेड स्किन सेल जो होते हैं उनको भी ये रिमूव करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ऑर्डर होती है हमारे ऑर्डर माँ हमारी आ रही होती है, बदबू आ रही होती है हमारी आर्मपिट से, वो भी उसको भी खात्मा करता है। इस्तेमाल का तरीका ऐसे है कि दोस्तों आपने तकरीबन एक चम्मच ले लेने आटा और उसमें दो चम्मच आपने सिरके के मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना, उसको 3 से 4 मिनट बगलों में अप्लाई करना है, आर्मपिट्स में अप्लाई करना है और उसको 15 से 20 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लेना है। और फिर देखिए हफ्ते में तकरीबन कम से कम आपने 3 बार या 4 बार कीजिए, 3 बार अच्छा रिजल्ट दे देता है और फिर इसके रिजल्ट देखिए। लेकिन ये पहली बार यू इस्तेमाल के बाद भी ये रेमडी बहुत अच्छा आउटकम्स देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है दोस्तों। दूध, सातवीं रेमडी मेरी है दूध के जरिए डार्क आर्मपिट को वाइट करना। दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि जो दूध है उसमें बहुत ज़्यादा गजाइत पाई जाती है और दोस्तों डार्क आर्मपिट को सफ़ेद करने के लिए भी दूध बहुत बेहतरीन है। दोस्तों आपने ऐसा करना है कि 1 टेबलस्पून आप ले लीजिए आटा, उसमें जो है 2 टेबलस्पून आपने ले लेना मिल्क का, ठीक है, और 1 टेबलस्पून आपने ले लेना है दही का और इन सब का एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और इस पेस्ट को तकरीबन आपने अप्लाई करना है 3 से 4 मिनट और 15 से 20 मिनट इसको लगे रहने देना है और उसके बाद इसको नीम गर्म पानी से धो लीजिए। ये बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपने ये रेमेडी हफ्ते में 3 से 4 बार रिपीट करनी है दोस्तों। आठवीं मेरी जो रेमेडी है वो ज़रा काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो जैसे मैंने पहली 7 रेमडीज दी वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, आठवीं मेरी रेमडी कुछ एक्सपेंसिव है, वो है संदल की लकड़ी के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है संदल की लकड़ी ना सिर्फ गोरापन लाने में अपनी मिसाल नहीं रखती, गोरापन स्किन को गोरा करने में, बल्कि जो है संदल की लकड़ी वो है एक जो है उसमें जो बदबू दूर करने की भी कुदरती सलाहियत पाई जाती है। दोस्तों इस संदल की लकड़ी को अगर आप ये रेमडी यूज़ करते हैं तो आपको किसी ऑर्डर डिओडोरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिओडोरेंट आप को ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने का, जस्ट आप ये इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद कोई भी जो केमिकल बेस्ड डिओडोरेंट है वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे आपने इसको इस्तेमाल करेंगे कि संदल की लकड़ी ले लीजिए और उसमें जो है आपने रोज़ वाटर मिक्स करके, ठीक है, उसको हल्के हाथ जो है हल्के हाथ से उसको रब करना है डार्क आर्मपिट पे और फिर देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तकरीबन रब कीजिए और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट एक आर्मपिट पे, 3 से 4 मिनट एक आर्मपिट पे, बेशक इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, बेशक सुबह उठ के धो लीजिए, बेशक 15 से 20 मिनट बाद इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है, वैसे धोने की ज़रूरत भी नहीं है तकरीबन इतनी आपको, इसको काफ़ी लंबे अरसे तक लगे रहने दिया जा सकता है। और दोस्तों ना सिर्फ आपकी जो है आर्मपिट में गोरापन लाएगी बल्कि जो बदबू है उसका भी जड़ से खात्मा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो है ये सिंदल की लकड़ी वो आपने एक नंबर लेनी है। दोस्तों ये इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन असल जो है अगर आपको संदल की जो लकड़ी है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रेमेडी आने वाली है लेकिन ये दूसरी रेमेडियों से ज़रा एक्सपेंसिव थी। दोस्तों नौवीं जो मेरी है वो है लेमन जूस और खीरे का, खीरे की मदद से आर्मपिट को गोरा करना। दोस्तों लेमन जूस में जो है आपको पता है मैंने अभी तो एक सिर्फ खाली लेमन जूस के ऊपर दी थी, इसमें लेमन जूस और खीरे की ये जो है ये रेमेडी है, इसमें आपने इन दोनों की मदद से आप कैसे आर्मपिट को वाइट कर सकते हैं। दोस्तों जो है खीरा उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और जो नींबू है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। दोस्तों इन दोनों का बेस्ट रिजल्ट के लिए खीरे का ब्लेंड करके जूस बना लीजिए और नींबू का भी जूस आपने निकाल लेना, बराबर बराबर मिकदार में दोनों का जूस मिक्स कर लेना और इस जूस को आपने हल्के हाथों से मलना है अपनी बगलों में, तकरीबन 3 से 4 मिनट मलिए और 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ दिए और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद इसको आप नीम गर्म पानी से धो लीजिए और फिर
रिज़ल्ट देखिए दोस्तों। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हफ्ते में आप 4 बार इसको कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। और लोग दोस्तों इससे बेहतरीन रेमेडी कोई नहीं है रिज़ल्ट में आर्मपिट गोरे करने के लिए। दोस्तों 10वें नंबर में मैं चलता हूँ कि कैसे आप, क्योंकि देखें दोस्तों जो बगलों में काला पाना होता है वो है डेड स्किन सेल्स, और दूसरा जो है वो है बैक्टीरिया और जर्म्स की वजह से। जो डेड स्किन सेल है वो असल में काला पान है दोस्तों। अखरोट के छिलके ले लीजिए या मूंगफली के छिलके ले लीजिए, अच्छी तरह इसको कूट के आपने पाउडर बना लेना और उसको आपने रोज़ वाटर में मिक्स कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह उसको मिक्स कर लीजिए इनको, अखरोट के छिलकों को या मूंगफली के छिलकों को, और अच्छी तरह एक पेस्ट सा बना लीजिए और उसको अच्छी हल्के हाथों से आपने अप्लाई करना है आराम पेट पे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अच्छी तरह स्क्रब करना है उसको और तकरीबन 15 से 20 मिनट, तकरीबन 15-16 मिनट आप लगा लीजिए, 15-16 मिनट, ठीक है। और उसको नीम गर्म पानी से उसके बाद धो लीजिए, और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने हफ्ते में 3 बार इसको करना है रिपीट। दोस्तों 11वीं मेरी रेमेडी है वो है सेबों के ज़रिए कालापन बगलों का दूर करना। दोस्तों सेबों में एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है, और ये जर्म्स और बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो डार्क स्किन सेल हैं उनको भी रिमूव करने में बेहतरीन बेहतरीन साबित होते हैं, और ये अच्छी तरह स्क्रब भी करते हैं, ठीक है। स्क्रब प्रॉपर्टीज भी इसमें बेहतरीन है दोस्तों। या तो सेब का जूस ले लीजिए, ठीक है, या इसको इस तरह आप कीजिए कि सेब का जूस ले लीजिए और सेब के छिलके आप जो है छिलकों की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर छिलकों की मदद से नहीं करना चाह रहे तो सेबों के टुकड़े ले लीजिए कुछ, और सेब के जूस में डिप करके 3 से 4 मिनट मलिए, ठीक है, और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। यानी आपने सेबों के टुकड़े ले लेने हैं और सेब का जो जूस है उसमें डिप कर कीजिए और उसको फिर मलिए, अपनी स्क्रब कीजिए आराम पिट में, और 3 से 4 मिनट इसको करने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, और उसके बाद नीम गर्म पानी से धो लीजिए और रिज़ल्ट देखिए। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपने कम अज़ कम 2 से 4 बार रिपीट करना है 1 वीक में। दोस्तों 12वीं मेरी जो रेमेडी है वो है पपाया। पपाया लोग बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है, पपीता भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों स्किन वाइटनिंग में भी पपीते का अपना जवाब आप रखता है स्किन को गोरा करने के लिए। दोस्तों जो है बेसिकली जैसे मैंने बताया कि डेड स्किन सेल मेन कॉज है आपकी बगलों के कालापन का। दोस्तों आपने पपाया ले लीजिए, ठीक है, सिर्फ आपने पपाया लेना है और इसको अच्छी तरह रब करना है, ठीक है, और 3 से 4 मिनट बाद रब करने के बाद, ठीक है, पपाया के आपने टुकड़े काट लीजिए और उसको अच्छी तरह रब कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और तरीके से कर सकते हैं, पपाया का जूस बना लीजिए ग्राइंड करने के बाद और उसको टुकड़ों को, ठीक है, उस जूस में डिप करने के बाद रब कीजिए, स्क्रब कीजिए, और फिर देखिए 3 से 4 मिनट कम से कम आपने रब करना है, और 15 से 20 मिनट के बाद आपने नीम गर्म पानी से धो लेना है। 3 से 4 बार रिपीट कीजिए, बल्कि तकरीबन आप 4 बार कम से कम रिपीट कीजिए इस रेमेडी को 1 वीक में, और फिर रिजल्ट देखिए। दोस्तों 13वीं मेरी रेमेडी है कोकोनट ऑयल। दोस्तों कोकोनट ऑयल बहुत सी स्किन की मसाइल में, बालों से रिलेटेड मसाइल में बहुत कसरत से यूज़ होता है, और इसकी फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। दोस्तों इसमें कोकोनट ऑयल में बाकसरत विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है, और ये जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है स्किन को क्योर करने के लिए और हेल्दी करने रखने के लिए, ठीक है। दोस्तों जस्ट आपने कोकोनट ऑयल लेना है, अच्छी ब्रांड का ले लीजिए या कोल्लू से ले लीजिए खालस कोकोनट ऑयल, और उसको जो है अच्छी तरह आपने रब करना है, उसकी मसाज करनी है 3 से 4 मिनट, ठीक है, और कम से कम आधा घंटा मसाज करने के बाद, तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद मसाज करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, और आधे घंटे बाद नीम गर्म पानी से धो लीजिए, और फिर देखिए हफ्ते में 2 दफ़ा ही आप अगर इसको रिपीट कीजिए इस रेमेडी को, और रिज़ल्ट देखिए। दोस्तों मेरी 14वीं रेमेडी है वो है शहद के ज़रिए बगलों को गोरा करना। दोस्तों शहद में एंटी
बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, ठीक है, और ये जो है बैक्टीरिया और जरासीम को खात्मा कर देता है। और दोस्तों ये हर घर में कम अज़ कम मौजूद, हर घर में कमोपेश मौजूद होता है शहद। दोस्तों शहद बेहतरीन है हमारी, वैसे मैंने बहुत सारी रेमडीज शेयर करता रहता हूँ, शहद का जवाब नहीं है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों शहद की आपने रेमडी यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जस्ट आप शहद ले लीजिए, ठीक है, और अगर इसमें चाहें तो शहद में अगर एक चमची शहद है उसमें आधी चमची नींबू का रस मिला लीजिए, और इनको एक पेस्ट बनाने के बाद आपने मल लेना है, और तकरीबन अच्छी तरह 3 से 4 मिनट बाद हल्के हाथ से मसाज करते रहिए जहाँ काला मतलब जो डार्क आर्म पिट्स हैं, ठीक है, और तकरीबन आप 20 से 25 मिनट बाद धो लीजिए इसको नीम गर्म पानी से। बेस्ट रिजल्ट के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार इसको रिपीट कीजिए। दोस्तों 15वीं मेरी जो रेमेडी है वो है, जैसे कि मैंने कहा था, एक बहुत एक्सपेंसिव रेमेडी है, लेकिन ये जो है ना सिर्फ आपकी ऑर्डर दूर करेगी, बदबू बगल से दूर करेगी, उसको बगल को जो है वो गोरापन भी लाएगी और डेड स्किन सेल रिमूव कर देगी। और ऐसा है दोस्तों, एक आज फ़र्ज़ करें आप आज यूज़ करते हैं तो आपको 4 दिन बाद भी आपकी बगलों से बदबू नहीं आएगी, आर्म पिट से बदबू 4 दिन बाद भी नहीं आएगी। वो है सैफरन यानी ज़ाफ़रान, ठीक है, ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान दोस्तों अपनी मिसाल आप रखता है गोरापन, स्किन को गोरा करने में, और जो है खुशबू में इसकी अपनी मिसाल आप है। दोस्तों दूध ले लीजिए, एक तकरीबन आप 2 चमची दूध ले में तकरीबन आपने इतना ज़ाफ़रान डालना है कि हल्का सा पेस्ट बन जाए, ठीक है, इतना गाढ़ा ज़रूर, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है असल ज़ाफ़रान, ठीक है, तो बल हल्का सा आपने गाढ़ा उसको कर लेना है, और ये दूध में ज़ाफ़रान, दूध और ज़ाफ़रान को तकरीबन 2 चमची दूध में आपने इतना ज़ाफ़रान लेना है कि उसको गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, हल्का गाढ़ा, इतना गाढ़ा भी ना कीजिए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हल्का गाढ़ा भी कर सकते हैं। और इस पेस्ट को आपने हल्के हाथों से तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे हाथों से स्क्रब कीजिए, और इसको बेशक पूरी रात लगे रहने दीजिए, कोई इसका नुकसान नहीं है, और सुबह उठ के नीम गर्म पानी से धो लीजिए, बल्कि आप रूम टेम्परेचर वाले पानी से भी धो सकते हैं, पूरी रात लगे रहने दीजिएगा तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। और दोस्तों ऑर्डर हर किस्म की बदबू, जिसको कहते हैं देर पर इतनी बदबू, कुछ लोग होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा गर्मी में बदबू आती है, 4 से 5 दिन बदबू नहीं आएगी, और ये आपको जो गोरापन है एक्सीलेंट इसमें, क्योंकि वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ऐसा गोरापन इस रेमडी के ज़रिए आपके बगलों में आएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये मतलब आपकी जो दूसरी स्किन टोन है उससे भी ज़्यादा तकरीबन गोरापन और निखार आ जाएगा बगलों के कलर टोन में। तो दोस्तों तकरीबन बेस्ट रिजल्ट के लिए ये भी रेमेडी आपने 3 से 4 बार अप्लाई, ये रिपीट करनी है वीक में। तो दोस्तों ये थी 15 रेमेडीज़ काली बगलों को गोरा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इनको, इनमें से कुछ या एक या दो या उससे ज़्यादा आजमाएंगे, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट देती हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल जो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अली हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।